नमस्कार, मैं रिया गुप्ता, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज थर्ड T20, फिर नहीं चला शुभमन गिल का बल्ला, लगातार तीसरे मैच में हुए फ्लॉप। फैंस ने लगाई क्लास, भारतीय क्रिकेट टीम के युवा स्टार शुभमन गिल वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मैच में महज 6 रनों में आउट हो गए हैं। वहीं गिल T20 सीरीज में लगातार तीसरी बार फ्लॉप हुए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पूरे दौरे में गिल का बल्ला काफी शांत रहा है। वहीं तीसरे T20 में गिल के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर क्लास लगाई है। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे T20 में शुभमन गिल ने 11 गेंदों में केवल 6 रन बनाकर सस्ते में पेवेलियन लौट गए हैं। वहीं गिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में केवल 3 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरे T20 में 7 रनों पर आउट हो गए थे। वहीं तीसरी T20 में भी वो 6 रनों पर सस्ते में आउट हो गए हैं। वहीं गिल के लगातार 3 बार फ्लॉप होने के बाद फैंस अपना गुस्सा रोक नहीं पाए हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई। ऐसा रहा अब तक का तीसरा T20 वेस्ट इंडीज ने तीसरे T20 में टॉप जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वहीं टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए हैं। टीम के लिए कप्तान रॉबिन पॉल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए हैं। इसके अलावा ब्रैंडन किंग ने 42 रनों को पारी खेली है। वहीं टीम इंडिया के लिए कुलदीप ने 3 विकेट, अक्षर और मुकेश ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है। भारत अपने पहले 2 विकेट केवल 34 रन पर गवा दिए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने पारी को संभाल लिया है और टीम को 8 ओवरों तक 2 विकेट के नुकसान पर 79 रनों पर पहुंचा दिया है। सूर्य नामवाद 26 गेंदों में 51 रनों पर और तिलक नामवाद 10 गेंदों में 17 रन पर खेल रहे हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल 1 और गिल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।